हेलो दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। देखो, हमने 2017 का जो पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। अभी तक मैंने 15 और 16 के जो एग्जाम्स कराए ना, उसके दो ही पार्ट थे, है ना। बट इसके तीन पार्ट क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से आपको पता चलना शुरू होगा कि नंबर सिस्टम के किस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली में आने शुरू हो गए थे। पहले दो पार्ट में भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे और इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके शॉर्ट सोल्यूशन लास्ट को और आपको बहुत अच्छे लगे हैं सोल्यूशन। क्लियर? सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज 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 भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तैयारी शुरू कर दो क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है आपका, उसमें भी थोड़े बहुत दिन जाएंगे, बट जो सीरियस है वो तैयारी कर चुका है शुरू। और अगर आपने तैयारी शुरू करना है तो यही सही समय, ठीक है। बट अक्सर बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है कि सर तैयारी शुरू कर तो देंगे बट कैसे तैयारी शुरू करें यही नहीं समझ आता। तब से मेन जो फोकस होता है ना बच्चों का, वो यही कहते हैं कि सर यही नहीं समझ आता तैयारी शुरू करें कहां से कैसे करें। तब मैं एक ही चीज कहता हूं, मैं हमेशा क्या कहता हूं, हमारे पास आइए और तैयारी शुरू कीजिए। व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग दिस बैच? सबसे पहली बात देखो, आपके पास क्या की फीचर्स हैं इस बैच के लेके मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको। देखो सबसे पहली बात, 3 से लेके 4:30 तक का आपका टाइमिंग है। अभी तक 4 days a week क्लास चल रही है, एक दिन में 4 क्लासेस आपको मिल रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है देखो, टोटल लेक्चर्स 180+ लिखे हैं, 180+। बट आपके लिए सरप्राइज है, थोड़ा सा सरप्राइज है। देखो क्या है, सरप्राइज बताऊंगा एंड में। देखो यहाँ पे टोटल 90 लेक्चर जो है, ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच है, मतलब आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा। अगर बाई चांस नहीं लगा पा रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग सेशन का मिल जाएगा, तो अगर क्लास मिस भी होने का डर नहीं है इसमें तो, ठीक है। इसमें 50 आपके पास एप्टीट्यूड के हैं, 25 लॉजिकल के, और 15 आपके पास इसमें इंग्लिश के लेक्चर्स मिलने वाले हैं आपको। 25 लॉजिकल के और 15 इंग्लिश के, 50 क्वांटिटी कह दिया तो 50 में पूरा चौबीस, कैसे कहते हैं 40 में मैथ रीजनिंग करा दो यहाँ पे तो सिर्फ। और एक लेक्चर 1.5 घंटे का है, इसमें भी सरप्राइज छुपा आपके लिए, बताऊंगा क्या। देखो अब ये तो 90 लेक्चर्स हुए जो इन बैच मिल रहे हैं आपको, बट इस बैच को जब आप लेंगे इनरोल हो जाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पर प्री लोडेड क्लासेस भी है। वो कौन सी है? प्रीवियस ईयर लेक्चर्स कितने? 15। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने आपके पास? 50+। और लाइव मेंटरशिप सेशन कितने आपके पास? 30+ इसमें। क्लियर? अब जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा था, बर्थडे सरप्राइज, देखो आपको जो क्लास मिलेगी वो किस रूप में मिलेगी? क्लास मिल रही है, इस क्लास में क्या बेनिफिट है? ये सब तो मिल ही रहा है आपको, ये तो आपको मिल ही रहा है। अब क्लास के साथ सबसे पहले आपको वीकली शेड्यूल मिलेगा, वीकली शेड्यूल नंबर 2, वीकली टेस्ट होगा आपका। जो हमने किया है, जो भी हमने वीकली किया है उसका एक टेस्ट होगा। जैसे सपोज करो अभी हमारा टाइम एंड वर्क है, अगर मैंने इस सबसे टाइम एंड वर्क कराया तो अपकमिंग संडे को आपका टाइम एंड वर्क का टेस्ट होगा। ये तो दो बढ़िया फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अगर मैं बताऊं, पहला माइंड ब्लोइंग फीचर आपके पास मिलेगी पीडीएफ। सबसे पहले क्लास पीडीएफ मिलेगी आपको, मतलब जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराने हैं वो पहले ही पोर्टल पे सेम डे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, क्लास असाइनमेंट, इसकी भी पीडीएफ वहीं पे अपलोड होगी, और अगर आप क्लास में है तो आपको वहां मिलेगी। अब यहां पे ये जो 3:30 से 4:30 का बैच दिख रहा है ना, ये एक्चुअली 5 बजे तक है। क्यों? 30 मिनट्स का आपका डाउट सेशन है हर क्लास के साथ, 30 मिनट्स का क्या आपका डाउट सेशन है हर क्लास के साथ। तो दीज आर सम एडिशनल फीचर ऑफ दिस बैच। अब खुद सोच के देखो, इतना सब होने के बाद क्या यार सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा? भैया 100+ नंबर मार्क्स आएंगे मिनिमम, तो थोड़े सीरियस होके सुनो व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर? सो चलिए, और नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट है मेरे पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। क्लियर? क्या है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्लास पीडीएफ है जो भी है सब उस ग्रुप में अपडेटेड होते हैं, ठीक है। बेसिकली वीडियोस और पीडीएफ, पीडीएफ तो वीडियो के साथ ही लगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन 2017 का सेट 3 का, मतलब सेट 3 मतलब हमारे यहाँ का सेट 3 मतलब थर्ड पार्ट। अब बैक करते हैं, 20 बॉल्स टोटल भाई, 20 बॉल्स है, उसके अंदर क्या है, 8 बॉल ग्रीन। 8 कौन सी बॉल है? ग्रीन बॉल है,
सेवन व्हाइट बॉल है और पांच आपके पास कौन सी बॉल है, मतलब टोटल कितनी होगी? टोटल 20 बॉल्स हैं। तुमने क्वेश्चन में दिया ही नहीं दिया, तुम्हें जोड़ लेते, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ इट? इट इज अज्यूम ऑफ पिकिंग अप लीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। वो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं, मतलब मैं कितनी बॉल है मिनिमम पिक करूं कि मेरे पास हर कलर की एटलीस्ट एक बॉल है। ब्लाइंड फोल्डली मतलब ऐसे करके उठानी, मतलब ऐसे करके आंख बंद करके उठा लो, कहने का मतलब ये। देखो अगर सपोज करो मैंने पहले 8 बॉल पिक करी, क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि 8 की 8 ग्रीन हो? मिनिमम एक हो सकती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, 8 ऑल ग्रीन हो सकती है। सपोज करो मैंने अगली 7 बॉल चूज की, एक सीक्वेंस में ही चलना है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में, तो क्या सारे की सारी बॉल ऑल मेरे पास व्हाइट हो सकती है? यस, ऑल व्हाइट हो सकती है। उसके बाद देखो अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे दो कलर की, जब मैंने 15 बार बॉल पिक कर ली, 15 बॉल पिक कर ली तो दो कलर की बॉल आ गई, उसने का मिनिमम, तो इसका मतलब अब मेरे पास जो बैग है उसके अंदर कौन सी बॉल रेड, यानी अगर मैं एक रेड बॉल ले लू तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, 15 प्लस 1 यानी कितना, तो वही 16 बॉल्स होगी। यस, तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 16। ध्यान रखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है, उल्टा मत चलाओ, जो दिया हुआ है उसी में से रखना अपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ टू बॉयज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ऐसे क्वेश्चन ना बड़े पसंद है। इफ टू बॉयज एंड टू गर्ल्स, अब देखो इसमें अगर आप देखोगे ना बड़े सारे केसेस बताएगा, ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना, तीन लाइनें मारूंगा और उसी में आंसर हो जाएगा। इफ टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट द गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर? इसका नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब क्या है कि एक साथ नहीं होनी चाहिए, एक के साथ एक, वन फॉरवर्ड बाय द अदर, ठीक है। देखो पहला केस क्या हो सकता है, केसेस देखो, एक दो तीन चार। सपोज करो सबसे पहले मैंने क्या किया, लड़कियों को यहां बिठा दिया, एक गर्ल्स होगी और ये मेरे बॉयज होगी, पॉसिबल है? मैं तो सिंपल सिंपल देसी भाषा में केसेस लेके चलता हूं, मैं अरेंजमेंट नहीं करके देखूंगा, मैं डायरेक्टली करूंगा इसको। देखो और क्या हो सकता है, अगर मैं बॉय वन यहां रखू, बॉय टू यहां रखू, गर्ल वन गर्ल टू यहां ले सकता हूं, यस बिल्कुल रखा जा सकता है, तो ये मेरी गर्ल्स होगी और ये मेरे बॉयज होगी। तीसरा केस क्या हो सकता है, मैक्सिमम जो केसेस तीन बन सकते हैं, गर्ल वन गर्ल टू, बॉय वन बॉय टू, बस इसके अलावा तो कोई केस रख ही नहीं सकते आप। और ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में था, थोड़ा प्रारूप अलग था, जब आएंगे उस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो यहां कितना होगा भाई, अगर दो है तो दो फैक्टोरियल गुना दो फैक्टोरियल, बिकॉज ये प्लेस भी दो से, ये प्लेस भी दो से, नेक्स्ट टू फैक्टोरियल टू टू फैक्टोरियल, यानी ये कितना हो गया चार चार, ये क्या हो गया दो फैक्टोरियल गुना दो फैक्टोरियल, चार 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 आठ चार बारह, ऑप्शन नंबर से आंख बंद करके लगा दीजिए। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लंबे चौड़े केसेस में कन्वर्ट करके करोगे तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, अभी बता रहा हूं बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी बेटा। तो आपने क्या करना है, जितना सिंपल हो सके ना, मैं अभी बता रहा हूं, जितना कहीं से भी करो, डजंट मैटर कि आपने अभी बनने से करना है, कहीं से भी जब आप सोल्यूशन करो ना किसी का, तो लंबे चौड़े मेथड के लिए मत जाओ, सिंपल सोबर मेथड के लिए जाओ, दैट सेट आप कहीं से भी करो। मेरी बेस्ट विशेस, आप हमेशा आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम आते कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सारी चीजें देखता हूं। बट जब भी आप सोल्यूशन करो तो सिंपल एंड शॉर्ट करो, छोटा और सिंपल मेथड ढूंढना, इससे सिंपल मेथड मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं अपने मेथड करता हूं ना उसके बाद सर्च आउट या R&D पक्का करता हूं कि किस किस ने क्या क्या करवा रखा, तो मुझे पता चलता है कितने वाहियात सोल्यूशन भी है इसके, तो उनसे बचना आपने, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, एक क्वेश्चन है बट वो चलेगी फिर बहुत लंबे टाइम तक, क्लियर है। चलिए अनदर गुड क्वेश्चन, ये भी आपका UPSC सेट 2017 का, द एवरेज रेनफॉल
इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट फोर डेज वॉज रिकॉर्डेड 2 बी 0.40 इंचेस. द रेनफॉल ऑन द नेक्स्ट टू डेज वॉज इन रेशो 4:3. मतलब पहले चार दिन की 0.40 पर डे है, ठीक है, और पांचवें छठे दिन की 4:3 में. द एवरेज ऑफ 6 डेज वॉज 0.50 इंचेस. वट वॉज द रेनफॉल ऑफ द फिफ्थ डे. ये आसान क्वेश्चन है. देखो आप ऐसे कह सकते हो एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 डेज ये दी है. इसका मतलब क्या हुआ, डे 1 + डे 2 + डे 3 / डे 4 डिवाइडेड बाय 4 ये कितना हो गया 0.40. इसका सम मतलब सम ऑफ डे 1 / डे 2 / डे 3 + डे 4 कितना हो गया 1.60 हो गया. अच्छा अगर मैं डे 5 / डे 6 करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं 4 / 3 भी. यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पांचवें छठे दिन का जो मेरे पास अनुपात दिया रेशो दिया है वो कितना है 4 / 3 भी. क्लियर. नेक्स्ट देखिए. अच्छा उसने क्या बोला पूरे वीक का कितना है 6 दिन का, यानी D1 + D2 + D3 + D4 D5 D6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितना बेटा 0.50. इसको यहां लेके जाओ यानी सबका सम कितना आ गया 3. देखो पहले चार दिन का कितना आया 1.6, पूरे 6 का 3, तो बीच कितना बचा 1.4. यानी पांचवें और छठे दिन का जो सम है 1.4 है, यानी 4p + 3p कितना है 1.4, 7p = 1.4 ये कितना आ गया 0.2. अगर ये 0.2 आ गया तो मुझे अब क्या बोल रहा है ऑन द फिफ्थ डे, फिफ्थ डे कितना है 4p 4 × 0.2 यानी कितना 0.8. बिल्कुल आसान क्वेश्चन था. तो 0.80 इंच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कोई ब्रिलियंट क्वेश्चन नहीं था बट हाँ दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. चलिए होपफुली क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं. होपफुली क्लियर है यस और नो. बिल्कुल सही यस बोल रहे हैं. तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल प्लीज 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 बहुत जरूरी है. चलिए भाई आ टू डिजिट नंबर इज रिवर्स देन लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे. देखो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूं लार्जेस्ट पॉसिबल. लार्जेस्ट की बात कर रहे ना मेरे पास सीधा उत्तर है बट मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको. देखो मैंने बोला पहला नंबर एक्स वाई, दूसरा वो रिवर्स करोगे वाई एक्स हो गया. यानी एक्स वाई था तो इसको कैसे लिखोगे 10x + y रिवर्स कर दिया 10y + x अच्छा एक बात बताऊं मेरे पास मैं ये मान के चलता हूं कि 10x + y इज ग्रेटर देन 10y + x ठीक है. ये मान के मेरे को चलना पड़ेगा बिकॉज एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर. अच्छा एक बात कहो मैक्सिमम को मैक्सिमम मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं. देखो टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कितना है, अगर मैं इसको xy लेता हूं y की वैल्यू कुछ भी हो, अगर x मेरा 9 है तो y तो वेरी कर सकते हैं ना, मैक्सिमम तो यही होगा 90 से लेके 99 तक ठीक है. तो क्या मैं x को 9 पुट करूं, अगर मैंने x को 9 पुट किया ये कितना आया 90 + y अगर यहां पुट किया कितना है 10y + 9 क्लियर. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मुझे y की वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये रिवर्स हो जाए. y को 4 और 5 पुट करो. देखो y को अगर मैंने 4 पुट किया 90 + 4 कितना हो गया 94, ये कितना हुआ 10 × 4 + 9 कितना हो गया
अगर मैं 94 को 49 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस 45। क्या मेरा आंसर है? एक और चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैंने y को 5 पुट किया, y को मैंने 5 पुट किया तो पहले वाला कितना आ गया 95, और इसका रिवर्स कितना 15 है, 36 आ गया। ये तो नहीं सकता, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 45 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपने अभी भी देखा स्क्रीन पे। प्लीज नोट कीजिए इसको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। देखो इनकम की अगर मैं बात करूं, कितना दिया बेटा 4:3 पे। एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? देखो इनकम होता क्या आपके पास, इनकम होता एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब देखो अगर इनकम 4p दिया है, E1 सेविंग कितना है मेरा 6000, तो E1 कितना हो गया मेरा 4p माइनस ऑफ 6000, तो E2 सिमिलरली कितना होगा मेरा 3p माइनस ऑफ 6000। क्लियर? इस केस में हमेशा आपने ऐसे ही करना, E1 बटा E2 कितना होगा मेरा 4p माइनस ऑफ 6000 अपॉन 3p माइनस ऑफ 6000, और E1 बाय E2 दिया कितना है मुझे 3/2। ठीक है जी, करें क्रॉस मल्टीप्लाई 8p माइनस ऑफ 12000 इज इक्वल टू 9p माइनस ऑफ 18000। तो 9p माइनस 8p कितना होगा p, 18 माइनस 12 कितना होगा 6000। p की वैल्यू 6000, मुझसे क्या पूछ रहे थे टोटल मंथली इनकम, टोटल मंथली इनकम कितनी है 4 × 3 7p 7 × 6000 इज हाउ मच 42000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए फटाफट से नोट करेंगे, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था काफी। चलिए देख सकते हो नंबर सिस्टम का दूसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का वाला। देयर आर सर्टेन टू डिजिट नंबर, मतलब दो डिजिट के कई सारे नंबर है, मैं नहीं पता कितने हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट इज ऑलवेज 27। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास नंबर और अगर उसको रिवर्स कर दूं उनका माइनस करके 27 आ रहा है। हाउ मैनी सच मैक्सिमम टू डिजिट नंबर, 3, 4, 5 एंड नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस देखे तो उसने कर दिया काम खराब। देखो क्या दिया यूपीएससी 2017। सपोज करो पहला नंबर एक्स वाई है यानी 10x, इसको तो भाई रट लो समझ लो कि दो डिजिट के नंबर को मैं लिखता कैसे हूं। ठीक है, इसको उल्टा करोगे कितना है वाई एक्स यानी 10y प्लस एक्स। क्लियर है? तो भाई दोनों को पहले माइनस कर लो, एक्स वाई माइनस ऑफ वाई एक्स यानी 10x प्लस वाई माइनस ऑफ 10y। इतनी सी बात है जो सबसे पहले आपने अच्छे से भाई समझ लेनी है। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो गया 10x प्लस वाई माइनस ऑफ 10y माइनस एक्स। क्लियर? क्योंकि देखो जब आप ऐसा क्वेश्चन करते हो ना तो दिमाग को क्लियर रखना है, कुछ भी प्री थॉट नहीं रखना कि पहले कुछ नहीं सोचना कि क्या करना चाहिए क्या करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास 9x माइनस 9y, और मैं क्या कर सकता हूं 9 ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 27। ये मेरे पास सिचुएशन दी है कि दोनों को माइनस करना है, हमेशा 27 आ रहा है तो 3। तो जरा इधर पकड़ो क्वेश्चन को, देखो इसका मतलब एक्स माइनस वाई मेरे पास कितना है। अब मेरे पास एक्स और वाई की छूट है, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। एक्स को आप 0 पुट कर सकते हो, बस नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 4 पुट कर दूं तो 1 आएगा, मतलब नंबर क्या होगा 41। अगर ये 5 है या 2 पुट कर दूं मतलब नंबर क्या 52। देखते जाओ, जलवा है जलवा आपके सर का, चिंता मत करो।
नेक्स्ट 6 करोगे, 3 तो नंबर है, 63 एंड 36, अब 25 यहाँ पे 14, नेक्स्ट कितना है आपके पास, 7 माइनस 4 यानी 74, नेक्स्ट कितना है, 8 माइनस 5 यानी 85, लास्ट कितना है, 9 माइनस 6 यानी 96, ये नंबर्स हैं 41, 52, 63, 74, 85 एंड 96, उन रिवर्स करके माइनस कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो सर कितने आ गए, नन ऑफ दिस, टोटल कितने पेयर बनेंगे, 6, आपको नंबर ही बता दिया मैंने, ठीक है। अगर ऐसे सोल्यूशन समझ में आए ना, देखो मैं हमेशा से वही कह रहा हूं, 2023 में कुछ अलग नहीं किया, 2023 में बस पिछले साल के पेपरों के हार्ड क्वेश्चनों को उठाया, थोड़ा सा डिटेल्स चेंज किया और आपको कह दिया भी कर लो। जिन बच्चों से बात हुई जिन्होंने अच्छे से सीसेट क्वालिफाई किया, एक ही बात बोलेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रामबाण थे, प्लस आपके सॉल्यूशंस, दीस आर वो सॉल्यूशंस आर वैल्यूएबल, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स, क्लियर। चलिए चलिए जी, एक क्वेश्चन हो रहा है अभी मेरे पास, माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट चलो क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेन 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड टू 1 to 150। इसका मतलब अगर एक बुक है मेरे पास, उसके पेजेस लिखना स्टार्ट कर दिए मैंने, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 150 तक लेगा, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स वी नीडेड। देखो सबसे पहले मैं बात करूं वन डिजिट, यानी 1 to 9 कितने हो गए, 1 से 9 तक 9 डिजिट मिलेंगे मेरे को। चलिए 2 डिजिट कहां से, 10 से लेके 99 तक, यानी ये कितने हो गए, 9 into, वैसे 1 लिख लो, ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी, 19 into 2 इज हाउ मच, 180, ठीक है जी। अब 3 डिजिट की बात करूं मैं, कहां से कहां तक है बेटा, 100 to 150, यानी कितने, 51 into 3 यानी कितना, 153, तीनों को ऐड कर दीजिए, 9 एंड में 2 है, 2 तो भाई 2 में है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता मेरा, 9 3 12 1 8 9 5 14 4 80 3 तो कितना हो गया, 342, ऑप्शन नंबर बी। वैसे मुझे 150 और 180 देखते लगा देना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कितना है, 262 और मेरा 2 का सम भी 300 से ऊपर आ रहा है, क्लियर। तो दीज आर सम वैल्यूएबल क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम 2017, ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 3 था। चलिए नेक्स्ट इज माइक्रो कोर्सेज, व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज भाई बताइए, क्या है माइक्रो कोर्स, माइक्रो कोर्स वो है, सही सोच रहे हो, कोर्स है, बट माइक्रो का मतलब क्या है, आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना, आपको सिर्फ वो टॉपिक पे काम करना है जो आपका वीक है, जैसे नंबर सिस्टम से बड़ा फोबिया था बच्चों को, बट मैंने जिस हिसाब से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराए हैं आपको, बहुत इजी तरीके से करवाए हैं, क्लियर है। यहाँ पे भी कोशिश रहेगी मेरी, जब मैं लाइव लेक्चर में बैच में करवाऊं, ठीक है, बैच 3 जिसका लिंक आपको, बैच नंबर 3 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का, कि कम से कम मैं 12 से 14 घंटे का नंबर सिस्टम कराऊं, मिनिमम इतना सोचा मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 2.5 हफ्ते सिर्फ नंबर सिस्टम, तो सोचो क्या चीज बचेगी, सारे प्रीवियस ईयर खत्म, सारे नए टाइप के क्वेश्चन खत्म, सारे कॉन्सेप्ट खत्म, तो नंबर सीरीज बहुत तगड़ा चलने वाला आपका, ये जो आओगे वो आनंद लेगा पूरा, ठीक है। इसीलिए वेट कर रहा हूं कि अगर किसी ने ज्वाइन करना कर लो, नंबर सिस्टम शुरू करूंगा थोड़े टाइम में, क्लियर। तो माइक्रो कोर्स वो है जहां पे सिर्फ आप पर्टिकुलर टॉपिक पे भी काम कर सकते हो, एज कम्पेयर टू क्या पूरे कोर्स को लो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए चलिए, सबसे पहले चूज एग्जाम करेंगे बेटा, सिविल सर्विसेज की सेट, ठीक है। सबसे पहले सारे सब्सक्रिप्शन आपको, सारे के सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ मिलेंगे, फिर वीडियो कोर्सेज, फिर टेस्ट कोर्सेज, फिर माइक्रो कोर्सेज, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, कॉल भी और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैथ और मेंटल एबिलिटी की बात करें, ठीक है, देखो ये रहा जो व्हाट्सएप ग्रुप का,
मैं बता रहा था, यहां से भी बेटा आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लियर। चलिए देखिए टोटल 3369 के, अब अगर आपको नहीं बाय करना तो सिर्फ उस पे फोकस कीजिए जो एक्चुअली आपको चाहिए। जैसे मैं बात करूं आपके पास नंबर सिस्टम, ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास नंबर सिस्टम के थे, क्लियर। अब देखो जरा, अब अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, आपके पास 10 वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें, 324 का है सिर्फ, नो वेब नोट सर, 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चंस तो ठीक है, क्वेश्चन तो मिल रहे हैं, बट वेब नोट्स क्या है? वेब नोट्स में उस चैप्टर की सारी थ्योरी कंटेन होती है बेटा, क्लियर। तो दीज आर इंपॉर्टेंट 421 क्वेश्चन है, इनको आप टेस्ट की तरह भी दे सकते हो, 10-20-25-30 क्वेश्चन उठाइए, एक सेटअप बनाइए, सेम वैसे प्रोसेस होगा जैसे सीसेट के पेपर का होता है, क्लियर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज परमोटेशन कॉम्बिनेशन, यहां से क्वेश्चन आ ही रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लाइन चार्ट हो गया, सब कुछ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके पास, देखो आपके पास हर चैप्टर के साथ 6 मिनट का ट्रायल है, पसंद है तो लो, वरना मतलब 6 मिनट तो एंजॉय करो ना कम से कम, ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, इसमें भी सेम है, इसके भी सारे माइक्रो कोर्सेज हमारे ऑलमोस्ट रेडी है, क्लियर है, ऑलमोस्ट क्या रेडी है, ठीक है जी, ठीक है जी। देखो सारा का सारा, जैसे बजट टेस्ट आपका आता ही आता है, तो भाई 245 का बजट टेस्ट है, रैंकिंग एंड ऑर्डर आता है, 130 का स्टेटमेंट कंक्लूजन, सारी चीजें आपकी रेडी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास क्या, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया इसको, एक आपका है कॉम्प्रिहेंशन, इसके 6 लेक्चर है 349 में, एक वेब नोट्स है 9,000 क्वेश्चन है, ऊपर से वर्ड बिलिंग एंटोनिमी सिनोनिम, अगर क्योंकि कई बार पैराग्राफ में आ जाते हैं कमेंट ऑन, क्लियर, ये इसलिए, और ये सिर्फ कितने का 53 का। तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में एक्सपीरियंस में फैलाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक आपको, चाहे वो आपका जो लाइव बैच चल रहा है उसका कोर्स जो भी स्टार्ट ही हुआ जस्ट, ठीक है, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो आपका माइक्रो कोर्स हो, सारे लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।